वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन चिकन मलाई की रेसिपी। हमारा आप लोग इस रेसिपी को देखें और इसके मुताबिक बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखें, आप कप मैंने ऑयल इसमें डाल दिया, आधा आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। इसको थोड़ा सा भुनाई करेंगे, साथ साथ अब इसमें चिकन भी डाल देंगे। आधा किलो से ऊपर हमारा चिकन है, तो भी थोड़ा सा बुनाई करेंगे। जब तक ये बुनाई हो रहे हैं, हम मसाले तैयार करेंगे। चूल्हा स्लो ही है। एक कप दही डाल देंगे, आधा गट्टी धनिया पुदीना आधा आधा, 8 से 9 हरी मिर्ची, 3 प्याज को मैंने फ्राई किया था दरमियाने साइज़ का, इसको भी इसमें डाल देंगे, ब्लेंड करेंगे। ये ब्लेंड हो गया, अब चले चलते हैं रेसिपी आगे शुरू करते हैं। मैंने टेस्ट किया, वापस इसका बुनाई कर रहे हैं हम, हल्का फुल्का इसको गोल्डन करेंगे। हो गया, अब इसमें जो मैंने मसाले ब्लेंड किए हैं आप लोगों को दिखाया, इसको इसी टाइम डाल देंगे। चूल्हा को थोड़ा सा मैं कम कर रही हूँ, चूल्हा कम किया मैंने। ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे, चूल्हे को वापस तेज करूँगी थोड़ा सा, तेज चूल्हे पे फ्राई करेंगे इसका, ताकि दही का पानी खुश्क हो। चूल्हा तेज़ी होगा हमारा। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, एक कप पानी मैंने डाल दिया इसमें। अभी दही को खुश्क करेंगे, तो यही वाला पानी हम इसमें डाल देंगे। चूल्हा तेज़ी है, अभी इसको बुनाई करेंगे, दही का पानी खुश्क होगा तो वही वाला पानी वापस डाल देंगे। चूल्हा तेज़ी है, अब तक ये देखें बुनाई कर रहे हैं हम इसको, दही का पानी खुश्क हो गया। थोड़ा सा नमक मैं इसमें डालूंगी, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हो कम ज़्यादा। ये देखें दही का पानी खुश्क हो गया, चूल्हा हमारा तेज़ी है। एक मिनट और बुनाई करूंगी ताकि ये तेल छोड़ दे। देखें चूल्हा तेज़ी है, सही तरीके से बुनाई हो गया, तेल छोड़ दिया, दही के पानी खुश्क हो गए हमारे। अब हम इसमें ये जो कप, एक कप मारी पैने डाला था, इसको इस टाइम डालेंगे, चूल्हा हमारा तेज़ी होगा। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे ताकि हमारा चिकन गल जाए, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे आगे क्या करना है। 10 मिनट के बाद वापस मिलेंगे। ये देखें 10 से 12 मिनट हो गए दम पे, चिकन हमारा गल गया। चूल्हे को मैं तेज़ कर रही हूँ, चूल्हा मैंने तेज़ किया। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया। तेज़ चूल्हे पे थोड़ा भुनाई करेंगे गरम मसाले का। मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे, बस इसमें हमने हरी मिर्ची ज़्यादा डाले थे इसलिए, बस आधा चम्मच ब्लैक पेपर इसमें मैं डाल रही हूँ इस टाइम। चूल्हे को मैं थोड़ा सा कम करूंगी, अभी इसमें हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे। चार चम्मच के करीब खाने की मैंने इसमें क्रीम डाल दी है। चूल्हे को वापस तेज़ कर रही हूँ। बस ये रेडी है, 2 मिनट दम पे देंगे, तेल छोड़ देगा, बस ये रेडी है। 2 मिनट के बाद वापस मिलेंगे। 3 मिनट हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें तेल छोड़ दिया, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम डिश आउट कर रहे हैं, देखें कितने मज़े की बने हमारी रेसिपी।
बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आप लोगों को मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी पसंद आया तो मुझे लाजमी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़, पसंद नहीं आया तो नहीं करें। यकीन है आप लोगों को पसंद आए। अब मुझे इजाज़त दे ढेर सारे दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।